आगे बढ़ेंगे। अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पेट्रोल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने खुद साइकिल पर अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों से रास्ते में रुक रुक कर समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि हमें ग्वालियर को स्वच्छ प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले हैं। खास बात यह है कि वो साइकिल से अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ जनता से उनकी परेशानियां भी जान रहे हैं, उनका हल भी कर रहे हैं। मंत्री जी, आपने जैसा कहा था कि पर्यावरण संरक्षण और पेट्रोल को बचाने के लिए हमें साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, वो दिख भी रहा है। वो भी प्रयोग करना चाहिए, शहर की समस्याओं से रूबरू भी होना है ना। शहर हमको स्वच्छ रखना है ना, प्रदूषण मुक्त रखना है ना। जिन लोगों ने हमें चुनाव के वक्त जिनसे आशीर्वाद लिया था, उनका हालचाल जानने के लिए गली कूचों में जाना है ना, इसलिए साइकिल से घूम रहा हूँ। देखो, अपने लोगों से, परिवार लोगों से मिल रहा हूँ। मंत्री जी, और क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं जो अफसर हैं उन्हें? जो समस्याएं मिल रही हैं, जो मौके पर निराकृत हो सकती हैं, उन्हें निराकृत कर रहे हैं। जो समस्याओं की बजट की स्वीकृति है या और कोई स्वीकृति की जरूरत है, उसके लिए निर्देश दे रहा हूँ। कुछ सड़कों के भी भूमि पूजन किए हैं। भूमि पूजन है आज और कल में 30 भूमि पूजन है। और ये भूमि पूजन, ये शहर जो है ना, विकास की तरफ दौड़ रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी की अगुवाई में माननीय श्रीमान ज्योतिराजी सिंधिया जी, हमारे सांसद सुजलकर साहब, पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी। मतलब कल तक कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति हो जाएगी? कम 5 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य का भूमि पूजन होगा। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, वो निकले हुए हैं और क्षेत्र की जो जनता है उससे मुखातिब होते हुए उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो कल तक 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कैमरामैन कर्णवासी के साथ।